देश में कोरोना वायरस का प्रभाव तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं पॉजिटिव मामलों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूल और कॉलेज पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में छुट्टियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। गोरखपुर के डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस फैलने के बाद जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। सर, इस समय जो कोरोना का कहर है उसे क्या स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर की छुट्टियां सर निरस्त कर दी गई? जो कोरोना है उसको, जैसा कि मालूम है, हमारे यहाँ प्रदेश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, जिसको कि हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं। उस इमरजेंसी के पीरियड में स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स से लेकर के नीचे तक का कोई भी कर्मी है, तो उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। फिलहाल ये 31 मार्च तक किया गया है और आवश्यकता पड़ने पे ये बढ़ाया जा सकता है। कुछ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई भी गई है? चिकित्सक हमारे पास पर्याप्त में हैं और आवश्यकता पड़ने पे हम CHC PHC से चिकित्सक को बुला लेंगे और रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी हम ले सकते हैं। लेकिन अभी जो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे कि हम लोग परेशान हों, भयावह स्थिति उत्पन्न हो या कोई पैनिक होने की संभावना। कोरोना वायरस फैलने के बाद देश में फेस मास्क की संख्या में तेजी से गिरावट देखी गई है, तो वहीं मास्क के रेट भी आसमान को छूने लगे हैं। इसी के मद्देनजर वाराणसी जेल प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है। सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा मास्क बनाने जा रहे जेल प्रशासन ने मार्केट में मास्क की बढ़ती डिमांड को देखते हुए सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से मास्क बनवाने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, अभी हमारे यहाँ 15 से 16 बंदी इसमें इन्वॉल्व है मास्क बनाने में, और तकरीबन 500 के आसपास मास्क बन चुके हैं, और हमारे यहाँ लगभग 1700 बंदी, इसलिए हमें और आवश्यकता भी पड़ेगी और इसे लगे हुए हैं ये लोग, और एक दिन में तकरीबन 150 से 200 के आसपास मास्क बनाए जा रहे हैं। अब चूंकि कोरोना वायरस का इस तरीके से प्रकोप फैला हुआ है, तो ये हाई अलर्ट जैसी स्थिति है, और हम यहाँ से वितरण कराने के बाद 1700 बंदियों हम डिस्ट्रिक्ट जेल पे भी भेजेंगे। बांदा में महाराष्ट्र के पुणे से आए दो युवक आज अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने खुद को कोरोना होने की बात कही, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हालांकि डॉक्टर अभी कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। कोई कंफर्म बात नहीं है ये कि उसको कोरोना है, हमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सर नॉर्मल सर्दी जुकाम उसको भी है, लेकिन हाँ वो ऐसे जगह से आया जहाँ पर इस समय भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं, तो महाराष्ट्र के पुणे से आया हुआ है, इसलिए सस्पेक्ट किया जा रहा है कि भाई हो सकता है, लेकिन कोई कन्फर्म नहीं है कि इसे कोरोना है ही, इसको मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजा CMS साहब के आदेश। उसके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेड ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें कोरोना की उसके उसने मुझे रिपोर्ट दिखाई हो हम लोगों को, उसको केवल वर्बल बताया गया, वर्बल बात पे हम लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए इसको जांच के लिए मेडिकल कॉलेज, इसकी जाँच मेडिकल कॉलेज से जाएगी, अभी ये तो मेडिकल कॉलेज में ही बताया जाएगा। देश में चारों तरफ कोरोना का खौफ फैल रहा है। कोरोना को लेकर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया है। इस अघोषित आपातकाल में जनता को आतंकित न होकर एक दूसरे को कोरोना के प्रति जागरूक करना है। पंजाब केसरी TV के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप और वाराणसी से काशीनाथ, बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।